हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाएंगे वॉफल हांडवा और बेक्ड हांडवा। ये बहुत ही हेल्दी है, मिक्स दाल से बना है। इसके लिए आपको एक कटोरी उड़द की दाल, आधा कटोरी तुअर की दाल, एक कटोरी चने की दाल, एक कटोरी चावल, कोई भी चावल ले सकते हैं, एक कटोरी मूंग की छिलके वाली दाल और एक कटोरी मूंग की बिना छिलके वाली दाल, जिसे हम मूगर भी बोलते हैं, इसको हमें मिक्स कर देना है। और अब इसे हमें पानी से 3 या 4 बार अच्छे से धो देना है। दाल के ऊपर बहुत पाउडर होता है, ये पानी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, वेस्ट ना करें। और इसे अब मैं बड़े बोल में ले लूँगी, क्योंकि ये फूल के 3 से 4 गुना हो जाती है। अब इसमें अच्छे से 5 से 6 गुना डाल के पानी डाल दें और इसको ढक्कन लगा कर 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से भीगने दें। 5-6 घंटे बाद ये भीग के रेडी है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसको हमें दरदरा ग्राइंड करना है। यहाँ पे मैं 2 या 3 बार करके ग्राइंड करूँगी। इसको आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक बार ग्राइंड किया, थोड़ा नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, 2 से 3 टीस्पून पानी ऐड करना है। ये देखिए, यहाँ पे ग्राइंड हो गया है। ये थोड़ा मैंने दरदरा रखा है इसे। अब इसको मैं अलग से बोल में निकाल दूँगी। फ्रेंड्स, ये आप लाइट डिनर में, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ये यहाँ सेकेंड बैच में ग्राइंड कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं दाल में, और सब्जियां भी है। हांडवा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने अपने चॉइस की सब्जियां ऐड की है, आप अपने चॉइस की भी कर सकते हैं। कैरेट है, जुकनी है, ये हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये फ्रेश हल्दी है। ये यहाँ पे फ्रेश गार्लिक है, जिसका हरा पार्ट मैंने बारीक चॉप करके डाला है। ये बॉइल्ड कॉर्न है, थोड़े से डाले हैं। आप अपने मन मर्जी के हिसाब से मटर भी डाल सकते हैं बॉईल करके। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, वाइट नहीं यूज़ करती, इसलिए पिंक डाला है। इसको मैं मिक्स कर देना और वघार रेडी करना है। एक कढ़ाई में छोटी सी ऑयल गरम करें, इसमें हींग डालें, जीरा डालें और राई डाल दें। इसके अंदर अब हमें कड़ी पत्ता डालना है थोड़ा सा, और यहाँ पे वाइट तिल डालना है। हांडवे में तिल बहुत अच्छे लगते हैं, और तिल से ही उसका टेस्ट आता है। गैस बंद कर दे, और इस बैटर में हमें अभी बीट रूट जो ग्रेट किया हुआ है वो डालना है। थोड़ा सा वघार डालना है, वघार थोड़ा हमें अंदर डालना है, और ये बच जाएगा वो हम ऊपर से डालेंगे। इस बैटर को मिक्स कर दे अच्छे से। और ये यहाँ बन केक का पैन है, जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। इसे अच्छे से आप ऑयल से ग्रीस कर दें, और ये थोड़ा सा वगार डाल दें नीचे, और उसके ऊपर बैटर डाल दें। बैटर हमें 3/4 जितना फिल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। बेकिंग के लिए आप राउंड या स्क्वायर टिन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बन था इसलिए वो यूज़ किया। ये रेडी है बेक करने के लिए। इसको हमें अब टैप कर देना, प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री पे बेक करना है 40 मिनट्स। ये यहाँ पे मैंने वॉफल मशीन को प्री हीट कर दिया है, और थोड़ा सा वगार डाल दिया है इसके ऊपर। इसको भी ब्रश से सब तरफ से फैला दिया है, और इस पर भी हमें हमारा बैटर डाल देना है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो एक चीज़ भी बना सकते हैं, या तो हांडवा या वॉफल। मैंने एक ही बैटर में दो रेसिपी बनाई है। हांडवा आप डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच किसी में भी खा सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर से वगार डाल देंगे, और इसे बंद करके 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये यहाँ हमारा वॉफल रेडी है। आप क्रिस्पी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम बना सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बेक हुए हैं, और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी है। ये यहाँ मैं अब सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ।
ये हमारे वॉफल रेडी है सर्व करने के लिए। आप चटनी सॉस से इसे सर्व कर सकते हैं। और ये यहाँ हांडवा भी बेक करके रेडी है। मैंने नाइफ़ डाल के देख लिया, नाइफ़ क्लीन निकली है, इसका मतलब हमारा हांडवा बेक्ड है। और इसके ऊपर हमें थोड़ा वगार डाल देना है। इसको नाइफ़ से लूज़ कर दे और प्लेट उल्टा करके इसके ऊपर प्लेट पर ये निकाल दे। थोड़ा सा इसके ऊपर वगार और डाल दे। ये रेडी है हमारा हांडवा। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।